हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरे अनारकली ड्रेसेस जो मैंने पुराने साड़ी या लेफ्ट ओवर फैब्रिक से बनाए हैं। तो ओल्ड साड़ी रीयूज के पार्ट 5 तक के वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं, तो उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप प्लीज़ वहाँ से चेक कीजिए। तो बिना देर किए चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये मेरा आज का फर्स्ट अनारकली ड्रेस है, ये मैंने एक साड़ी से बनाया था। तो ये हाफ एंड हाफ साड़ी थी। इस साड़ी का एग्जैक्ट पिक्चर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं गूगल से एक रेफरेंस पिक्चर डाल रही हूँ। तो ये साड़ी बिल्कुल इसी तरह से दिखती थी। जहाँ पर येलो कलर का पोर्शन आता है वहाँ पर मेरा गोल्डन कलर था, उसमें से मैंने दुपट्टा बना दिया। वो लगभग 2 मीटर का फैब्रिक था। तो ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है। तो मैंने उस पोर्शन को निकाल के दुपट्टा बनाया था इस तरह, और बाकी बची हुई साड़ी से मैंने अनारकली टॉप बनाया। इसमें से मैंने दुपट्टा इसलिए बनाया था ताकि ये मैं किसी और ड्रेस के साथ भी पेयर अप कर सकती हूँ। और इसका जो कलर है वो क्रीम कलर में था और इसमें बॉर्डर्स भी लगे थे। इसकी विड्थ ज़्यादा थी और लेंथ में ये बस 2 मीटर का फैब्रिक था, तो इसे मैंने दुपट्टा में यूज़ कर दिया। ये फैब्रिक बहुत ही कंफर्टेबल है और बॉर्डर के वजह से ये ठीक से बैठ भी जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों साइड मेरे बॉर्डर्स थे, और जहाँ पर मैंने कट किया था वहाँ पर मैंने सेपरेटली बॉर्डर्स को अटैच किया है। तो इस तरह दुपट्टा में चारों तरफ बॉर्डर्स लगे हैं। अगर आपके पास भी सिमिलर हाफ एंड हाफ साड़ी है जिसके एक पोर्शन में हेवी वर्क या नेटेड फैब्रिक है, तो आप उसे दुपट्टा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दुपट्टा हमने देख लिया, चलिए अब हम अनारकली ड्रेस की ओर बढ़ते हैं। तो ये अनारकली ड्रेस का फ्रंट पार्ट है। तो ये पूरी साड़ी कम्प्लीटली प्लेन थी, आप देख सकते हैं सिर्फ स्कर्ट के पार्ट में थोड़े हिस्से में वर्क था एम्ब्रॉयडरी का। तो मैंने उस स्कर्ट पार्ट को अनारकली ड्रेस के फ्रंट में डाल दिया प्लीट्स देते हुए इस तरह। अगर साड़ी के कम हिस्सों में इस तरह का वर्क है तो आप कोशिश कीजिए उसे फ्रंट पार्ट में या स्लीव्स के पार्ट में डालने के लिए, और आप अनारकली के टॉप पार्ट को प्लेन छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर स्कर्ट पार्ट के लिए मैंने क्रेप फैब्रिक का लाइनिंग यूज़ किया है, और अनारकली का जो टॉप बॉडीज का पार्ट है वहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक का लाइनिंग यूज़ किया है इस तरह। बैक पार्ट मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं है, कोई भी डिज़ाइन नहीं है। टॉप पार्ट एंड स्कर्ट पार्ट दोनों सिंपल है, प्लेन है। अगर आपकी साड़ी में हेवी वर्क है या साड़ी बिल्कुल प्लेन है, तो आप डिज़ाइन के हिसाब से ड्रेस को बनवाइए। ये मेरी सबसे फेवरेट ड्रेस है, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है, पर्पल एंड गोल्डन कलर का। ये जॉर्जेट की साड़ी थी तो ये पहनने में बहुत कम्फर्टेबल है। तो इस साड़ी को मैंने पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर दिया है, यहाँ पर कोई भी पीस वेस्ट नहीं हुआ है। इसका कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी डाला है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और मैं सारे ड्रेसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप नंबर्स के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो ये मेरा आज का दूसरा ड्रेस है, ये मैंने फ्रंट स्लिट के पैटर्न में बनाया था। इसका डिज़ाइन ए लाइन कुर्ती जैसा है, और ये मैंने लेफ्ट ओवर फैब्रिक से बनाया था। मेरे पास लगभग 2.5 मीटर का फैब्रिक बचा हुआ था। ये स्मूथ कॉटन का फैब्रिक है और बहुत ही कंफर्टेबल है। इस डिज़ाइन के ड्रेसेस आप डेली वेयर में भी पहन सकते हैं। अगर आप कोई ओकेजन या फेस्टिवल में पहनना चाहते हैं तो आप कोई हैवी दुपट्टा के साथ कैरी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बोट नेक रखा है और शॉर्ट स्लीव्स दिए हैं, और आगे मैंने फ्रंट स्लिट रखा है इस तरह। अंदर की तरफ मैंने ब्लैक का क्रेप फैब्रिक लगाया है फ्रंट में। इस पूरे ड्रेस में कहीं पर भी मैंने लाइनिंग नहीं लगाया है क्योंकि ये फैब्रिक ऑलरेडी थिक था। कॉटन के फैब्रिक अगर थिक है तो लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का ड्रेसेस बनाना बहुत ही सिंपल है। इसका ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर नहीं है क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी ड्रेस है। अगर आपको सिमिलर डिज़ाइन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
ये हुआ इसका फ्रंट पार्ट और ये इसका बैक पार्ट है। ये मैंने सिंपल रखा है क्योंकि ये प्रिंटेड फैब्रिक है, तो इसके वजह से मैंने ड्रेस को सिंपल ही रखा है। अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक है तो आप आगे टैसल्स लगा के ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं या लेसेस को अटैच कर सकते हैं या कोई भी स्टोन या बीड्स के साथ स्टिक करके फ्रंट या बैक पार्ट में डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास भी लेफ्ट ओवर फैब्रिक बचता है 2 या 2.5 मीटर का, तो आप इस तरह का ड्रेस बना सकते हैं। चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। ये मेरा आज का 3rd ड्रेस है और ये मैंने एक कस्टमर के लिए बनाया था। जो आपने प्रीवियस ड्रेस देखा था ये सेम पैटर्न में है। ये मैंने एक साड़ी से बनाया था। ये साड़ी मीशो में अवेलेबल है। अगर आपको सिमिलर साड़ी चाहिए तो इसका प्रोडक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी साड़ी ट्रांसपेरेंट थी और इसमें ब्यूटीफुल सा बॉर्डर था, आप देख सकते हैं, और पूरी साड़ी में एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ था। इसके बॉडीज पे जो आप पिंक फैब्रिक देख रहे हो वो मैंने ब्लाउज पीस से बनाया है। तो इस साड़ी में पिंक कलर का ब्लाउज पीस आया था और उसमें उन्होंने एक लाइन पे बॉर्डर भी लगाए थे इस तरह। तो मैंने उस पोर्शन पर पैटर्न को ट्रेस करके ये टॉप पार्ट बनाया था। ग्रीन और पिंक कलर साथ में बहुत अच्छे से जाता है। तो ये ड्रेस मैंने सिंपल रखा है। यहाँ पर मैंने 3/4 स्लीव्स बनाए हैं और राउंडेड नेक रखा है फ्रंट एंड बैक के लिए। फ्रंट में मैंने स्लिट दिया है स्कर्ट के हिस्से में और ये ड्रेस फ्लोर लेंथ तक बनाया है कस्टमर के लिए। इस ड्रेस का वीडियो मेरे चैनल पर है और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर्स को सेपरेटली कट करके फ्रंट पार्ट में अटैच किया था और ये बॉर्डर्स पाइपिंग के साथ ही लगी थी। अगर आपके साड़ी में हैवी बॉर्डर्स हैं तो आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि बॉर्डर्स भी हाईलाइट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर की तरफ मैंने क्रेप सिल्क फैब्रिक रखा है। आप चाहे तो शंटून फैब्रिक या सिल्क फैब्रिक लगा सकते हैं। सिल्क फैब्रिक थोड़ा शाइनी होता है, इसके वजह से आपका ड्रेस और भी अच्छे से उठ के आता है। तो जब भी आप इस तरह के ड्रेस बनाते हैं तो ध्यान दीजिए अंदर का फैब्रिक आप सिल्क लगवाइए। अगर आपकी साड़ी भी ट्रांसपेरेंट है तो आप अंदर की तरफ सिल्क फैब्रिक ही रखिए। यहाँ पर मैंने ड्रेस के बॉटम पार्ट में भी बॉर्डर्स लगाए हैं फ्रंट एंड बैक। ये पूरी साड़ी में बॉर्डर्स थे तो इसके वजह से मैं बॉर्डर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाई। तो ये इसका बैक पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर के हिस्से में प्लेन है और सिर्फ नीचे के हिस्से में एम्ब्रॉयडरी वर्क है। जहाँ पर साड़ी में हैवी वर्क था वो मैंने फ्रंट पार्ट में डाल दिया था और जहाँ पर कम वर्क था वो मैंने बैक पार्ट के लिए डाला था। अगर आपके पास भी ट्रांसपेरेंट साड़ी है और आप सोचते हैं कि किस तरह उन्हें यूटिलाइज़ करना है तो मैं आपको थोड़ी आइडियाज़ दूंगी। सबसे पहले आप साड़ी से दुपट्टा निकाल सकते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट दुपट्टा एक्सपेंसिव भी होते हैं और साड़ी से निकालेंगे तो और भी अच्छे से दिखेंगे। और आप कुर्ती भी बना सकते हैं, लेकिन कुर्ती के अंदर आपको थिक फैब्रिक लाइनिंग के लिए देना पड़ेगा और आप फुल स्लीव्स रख सकते हैं कुर्ती में। और आप फ्लोर लेंथ का गाउन भी बना सकते हैं, वरना इस तरह के फ्रंट स्लिट ड्रेसेस बना सकते हैं। साड़ी में जो ब्लाउज पीस आता है वो यूजुअली साड़ी के साथ कॉन्ट्रास्ट कलर में ही आता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी साड़ी यूज़ कर दिया है प्लस ब्लाउज पीस भी यूटिलाइज कर दिया है, तो मेरा कोई भी पीस बचा नहीं है इसमें। और ये ड्रेस मैंने फ्लोर लेंथ तक बनाई थी तो पूरी साड़ी इस्तेमाल हो गई। ये ड्रेस बनाना बहुत ही सिंपल है और इसका कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी डाला है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। ये मेरी आज की नेक्स्ट ड्रेस है। ये मैंने एक साड़ी से बनाई थी। तो ये जॉर्जेट की साड़ी थी और फ्लोरल प्रिंट में थी। तो इस ड्रेस के टॉप पार्ट में कॉन्ट्रास्ट कलर का फैब्रिक अटैच किया है।
टॉप पार्ट में जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है वो क्रेप फैब्रिक है। मेरी पूरी साड़ी क्रेप फैब्रिक की थी तो मैंने इसीलिए क्रेप फैब्रिक को ही चूज़ किया टॉप पार्ट के लिए। यूजुअली हमारे वार्डरोब में इस तरह की साड़ी होती ही है और आपको फ्लोरल प्रिंट की साड़ियाँ अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाते हैं। अगर मैं ये पूरा ड्रेस सेम फैब्रिक से बनाती तो इसका लुक इतने अच्छे से नहीं आता। अगर आपके पास भी सिंपल साड़ी है तो आप कॉन्ट्रास्ट कलर में एक्स्ट्रा फैब्रिक खरीद के इस तरीके से ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक एक्स्ट्रा खरीद के टॉप पार्ट में लगाया है और मैंने पूरे ड्रेस पर कहीं पर भी लाइनिंग नहीं दिया है। तो ये ड्रेस मैं विद पैंट एंड दुपट्टा, जैसे अनारकली होता है वैसे भी पहन सकती हूँ, या विदाउट पैंट भी, जैसे शॉर्ट गाउन्स होते हैं वैसे भी पहन सकती हूँ। ये ड्रेस बनाना बहुत ही सिंपल है और इस ड्रेस की वीडियो मेरे चैनल पर नहीं है क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी ड्रेस है। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये निकाली थी। अगर आपको सिमिलर ड्रेस की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा फेवरेट अनारकली ड्रेस है और ये मैंने एक कस्टमर के लिए बनाई थी। ये ड्रेस मैंने एक साड़ी से बनाई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये साड़ी कुछ इस तरह से थी। वाइट कलर की साड़ी थी और हेवी एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ था साड़ी में। ये साड़ी मीशो में अवेलेबल है। अगर आपको सिमिलर साड़ी चाहिए तो इसका प्रोडक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक पार्ट में जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं वो मैंने ब्लाउज पार्ट से निकाली थी, ठीक है, क्योंकि जो नेक पोर्शन है वो कम्प्लीटली प्लेन था। इसके वजह से मैंने ब्लाउज पार्ट में जो डिज़ाइन थी उसे मैंने कट करके नेक के पोर्शन में स्टिच कर दिया। यहाँ पर इसके स्लीव्स भी प्लेन ही हैं और यहाँ पर पाइपिंग भी है। इस पूरी साड़ी में बॉर्डर्स नहीं थे, सिर्फ पाइपिंग का वर्क था। जहाँ पर साड़ी का स्कर्ट पार्ट था, जहाँ हम प्लीट्स डालते हैं साड़ी में, वो मैंने फ्रंट में डाल दिया ऐसे प्लीट्स देते हुए। और बैक पार्ट में भी सेम डिज़ाइन अटैच किया है लेकिन विदाउट प्लीट्स लगाए हैं, सिर्फ फ्रंट पार्ट में मैंने प्लीट्स डाल के स्टिच किया है। साड़ी में जहाँ पर थोड़ा कम एम्ब्रॉयडरी वर्क था उसे मैंने बैक पार्ट पे डाल दिया। तो इस तरीके से मैंने पूरी साड़ी को यूटिलाइज कर दिया है। तो इस ड्रेस के लाइनिंग के लिए मैंने वाइट क्रेप फैब्रिक यूज़ किया है और टॉप पार्ट में भी क्रेप फैब्रिक का ही यूज़ किया है। ये जॉर्जेट की साड़ी थी और ये ड्रेस काफ़ी अच्छे से बन के आया है। इसे पिंक कलर दुपट्टा एंड पैंट के साथ पहनेंगे तो इसका लुक और भी अच्छे से बन के आएगा। अगर आपके पास भी सिमिलर साड़ी है और आप कन्फ्यूज है कि आप किस तरह का ड्रेस बनाएं, तो आप अनारकली ड्रेस बना सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने ब्लाउज का इस्तेमाल किया है इस ड्रेस के नेक को बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने सिंपल राउंड नेक रखा है फ्रंट एंड बैक के लिए और 3/4 स्लीव्स रखे हैं। इस ड्रेस की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस ड्रेस के वीडियो को भी आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कीजिए। और मैंने सारे ड्रेसेस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।